हम लोग कल किए थे? पॉजिटिव चार्ज ना। होमवर्क दिए थे ना कुछ? हुआ? किसका दिए थे बोलो जल्दी। प्रोपाइलिनियम आयन कितना आया? आरएक्स 7 आया। ठीक है, प्रोपाइलिनियम आयन अब या तो क्लॉकवाइज ले जाओ और नहीं तो क्या ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया? किधर भी एक ले जाओ, क्लियर है ना। तो ये वाला हम ले आते हैं, मान लेते हैं हम इसको क्लॉकवाइज ही ले आते हैं, तो ये यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो फिर क्या बनेगा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसा, यही होगा ना। फिर ये वाला तोड़ करके ले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ निगेटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव क्या बनेगा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चला जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तुमको बनेगा, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ, ये ऐसे, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये यहाँ पे क्लॉकवाइज ही ले जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर ये ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ही जाएगा ना। अब तुमको लग सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले, रिंग में यदि पॉजिटिव चार्ज है और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, तो तब तक तुम उसको रोटेट करो जब तक पॉजिटिव चार्ज या जो भी चार्ज था तुम्हारा वो दोबारा वहीं तक ना आ जाए। बात समझ में आया? तब तक उसको रोटेट करो, और लास्ट वाला जब कॉमन हो जाए तो एक को कैंसिल आउट करो और एक पहला वाला रखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे गया, फिर हम ले जाएंगे इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऐसे और ये ऐसे। फिर जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये तुम्हारा हो जाएगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये देखो पुराना वाला स्ट्रक्चर सबसे पहला वाला तुमको मिल गया, बोलो मिला। हाँ, तो ये वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन है ये, इसीलिए हम वहां तक बोलते हैं करने के लिए, ताकि एक भी स्ट्रक्चर छूटे नहीं। समझ में आया? क्योंकि ऐसा लग सकता है कि कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आया? रिपीट नहीं होगा तब तक जब तक तुम क्या करोगे, दोबारा वही वाला तुम्हारा आ नहीं जाता है, क्लियर है, ठीक। अब क्या करो तुम यहाँ पे, ये आर एच कितने हो गए इसके, आर एच बराबर हो गए 7। आर एच क्या बनेगा, आर एच के लिए जो कॉमन है वो लिखो। तो कॉमन देखो, यही सिंगल बॉन्ड सब में कॉमन आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड। अब क्या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या सब जगह है पॉजिटिव चार्ज सारा, मतलब डबल बॉन्ड सब जगह गया है, तो ये डॉटेड से, ठीक है। और डेल्टा, क्या पॉजिटिव चार्ज भी सारे कार्बन एटम पे गया है, ठीक है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो लिखा जा सकता है ना। और कुछ दिया था होमवर्क, ट्राइफेनाइल कैटायन वाला था ना, ये PH3C+, यही है ना। यानी इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, ये रिंग, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, रिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था, ये रिंग, ठीक है। बात समझ में आया? और क्या बोले थे, हाउ मेनी आर एस, मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने थे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे रहे तुम्हारा, बोलो, रिंग पे। क्वेश्चन ये था। तो अभी क्या पॉजिटिव चार्ज रिंग पे है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज रिंग पे नहीं है। अब मान लेते हैं कि इस वाले से हम चालू करते हैं, और तीनों रिंग क्या है, आइडेंटिकल है, तीनों रिंग क्या है, आइडेंटिकल है। थोड़ा मुंह से बोलो, आवाज आना चाहिए। तीनों रिंग क्या है तुम्हारा, आइडेंटिकल, ठीक है। अब जैसे कि, तो ये डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल सब है, पूरा रिंग में कॉन्जुगेशन है, इधर भी पूरा रिंग में कॉन्जुगेशन और इधर भी पूरा रिंग में कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बताओ हम किसी एक को, चले स्टार्ट इससे करते हैं, अब इसे स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे,
करेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जिससे ये क्या मिलेगा? अच्छा, ये दोनों रिंग को हम क्या लिख देते हैं, पीएच, फिनाइल ग्रुप है ना, पीएच, ताकि समय मेरा बचे तो हम लिख देते हैं ये पीएच, ये कार, ये सी, और ये रहा पीएच, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव डबल बॉन्ड बनेगा, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, जो फेनाइल वाला रिंग था वो ऐसा, और ये यहाँ ऐसा आएगा, ये यहाँ ऐसा, और इस पे क्या आएगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फिट टूट करके यहाँ पे, जिससे ये क्या तुम्हारा बन जाएगा, पीएच सी, और ये रहा पीएच, ये डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला उठ करके कहा, यहाँ पे, अब जब यहाँ पे जाएगा तो फिर बोलो क्या बनेगा, पी सी, यहाँ पे क्या बनेगा, पी एच, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, देखो ऐसा, और ये ऐसा, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और ये तुम्हारा ऐसा, ठीक है। और फिर अगला क्या करोगे, इसको जैसे ही यहाँ करोगे तो फिर से दोबारा जो है ये तुम्हारा क्या बनेगा, सी, ये रहेगा पी एच, ये रहेगा तुम्हारा पी एच, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग जो है अब बनता, सॉरी यहाँ से हट जाएगा, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये तुम्हारा जाएगा ऐसा। तो क्या पहला वाला बन गया, ये दोबारा आ गया, देखो कैसे हम कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉमन, समझ में आ रहा, ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉमन, एक गया। अब रिंग में कितने आ रहे हैं, रिंग में कितने आ रहे हैं, बोलो, तीन, तो क्या इस रिंग में तीन, तो इस रिंग में भी तीन, और इस रिंग में भी, तो टोटल रिंग में कितने हो गए, नाइन, और एक बाहर वाला कितना हो गया, वन, तो टोटल आर एच कितने होंगे, टेन। इज दैट क्लियर। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, आर एच, तो लो आर एच बनाओ, जो कॉमन चीज रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन चीज यही रहेगा, बोलो आ रहा है समझ में, कॉमन यही रहेगा ना। अब उसके बाद क्या, डबल बॉन्ड सब जगह डिलोकलाइज हुआ है, तो सब जगह डिलोकलाइज करो, डॉटेड 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 तीनों रिंग में, ठीक है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है क्या रिंग के, ऑर्थो और पैरा, अब हम ऐसा बात करेंगे, ऑर्थो मंजे का है ये वाला, ये पोजिशन, ये दोनों पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो, और नीचे वाला पोजीशन क्या होगा, पैरा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और एक कार्बन इस पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा। अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ भी तो बना है ना, तो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, डॉटेड डॉटेड यहाँ भी, तो ठीक उसके प्रकार से डॉटेड डॉटेड यहाँ भी, और डॉटेड डॉटेड यहाँ भी, है ना, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब डेल्टा पॉजिटिव यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव इसके दोनों ऑर्थो पे, और एक पैरा पे, इसके दोनों अर्थों पे, और इसके पैरा पे, इसके दोनों अर्थों पे, और इसके पैरा पे, ये देख, दैट इज द आर एच, रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लो जो नहीं लिखे हो। चलो जी, हो गया, बोलो हो गया, मिटाए। अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज का देख लिए, अब लिख लेना डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर से पहले कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है, ध्यान में रखना क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक, कोऑर्डिनेट कौन करेगा बोलो, कोऑर्डिनेट तुम्हारा कौन करेगा? सबसे पहले तो समझ लो, यदि ए जो है यदि बी को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो उसके बीच में क्या आएगा, ये एरो वाला साइन आता है ना, ए यदि बी को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के बीच में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड दो और जो जिसने ट्रांसफर किया है यानी जिसने दान दिया है अच्छा आदमी, इस पे पॉजिटिव चार्ज और जो लिया है उस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, क्लियर कर लो। यदि ये न्यूट्रल था या लोन पेयर था तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट करने के बाद। समझ में आया, यदि माइनस है और किसी और माइनस और प्लस तो बॉन्ड बन जाएगा, वो तो अलग हो गया, ठीक है। यदि न्यूट्रल है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज है यानी बैक बॉन्डिंग, उसी को बैक बॉन्डिंग भी कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज यदि है और लोन पेयर है तो वो क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पड़े होंगे, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, निगेटिव में चेंज होगा। यदि न्यूट्रल है, दोनों देख लो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन यानी इसके पास लोन पेयर है, ऐसा समझो कि ए और ए के पास क्या है तुम्हारा, लोन पेयर, और बी तुम्हारा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए यानी बैक बॉन्डिंग के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, जो खाली डब्बा बसता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते वक्त, समझ में आ रहा, वो वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो रखेगा कहाँ, रखने का जगह भी तो होना चाहिए ना, दैट मींस कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए। क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये तो है न्यूट्रल वाला, यदि ये बी तुम्हारा, ये केस हो गया, यदि ये तुम्हारा लोन पेयर है और इसके पास ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ए जब इसको कोऑर्डिनेट करेगा ना तो ए ऐसा तुम्हारा जाएगा बी और बी हो जाएगा न्यूट्रल, इस पे होगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव से कोई क्या होगा, न्यूट्रल, ध्यान में रखना, पॉजिटिव से तुम्हारा होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल और न्यूट्रल से होगा निगेटिव, ठीक है, समझ में आया। यदि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल रहा है तो पॉजिटिव वाला होगा न्यूट्रल और न्यूट्रल से फिर जाएगा निगेटिव, इज दैट क्लियर। हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव वाला होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला होगा निगेटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो निगेटिव वाला होगा न्यूट्रल और न्यूट्रल वाला होगा पॉजिटिव, समझ लिए। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, मान लो लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो गेन में क्या होगा, पॉजिटिव वाला न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला निगेटिव, और उधर यदि लूज करेगा तो निगेटिव वाला न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला पॉजिटिव, ये सीख लो, समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा गेन ऑफ, एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो अब यहाँ वाला तुम देख लो कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि क्या है, वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर बोल रहे हैं अभी क्या बोले, गेन कर रहा है तो पॉजिटिव वाला न्यूट्रल, यदि न्यूट्रल है तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन न्यूट्रल है तो ध्यान में रखना उसमें वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए तभी कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, समझ में आया ये चीज, तो ये देख लो। और एक बात ध्यान में रखना, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई कोई भी कंपाउंड तुम्हारा न्यूट्रल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने के बाद, मान लो ये कोऑर्डिनेट किया फिर भी पॉजिटिव निगेटिव मिला के ओवरऑल चार्ज चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल, तो यदि कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल बनेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल बनेगा, इज दैट क्लियर। इफ एनी कंपाउंड इज ए न्यूट्रल देन इट्स RS इज ऑल्सो न्यूट्रल, ठीक है, एंड इट्स RH इज ऑल्सो न्यूट्रल, समझ में आया, देखो नहीं, नोट करो, नोट करो, यस डेफिनेटली, क्लियर है, पूरा नहीं हटाओ, नहीं तो फिर लाइट इसको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और हटा ही दो इसको, और थोड़ा हटा दो, हाँ नहीं इस साइड वाला, हाँ उसको, हाँ पूरा हटा दो, और थोड़ा बाहर निकल के हटाओ, हटा दो दी, ओए इसको हटा दो, ये वाला कर्टन,
ठीक है, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो ये चीज है ध्यान में रखना। और ये लिखे इफ अ कंपाउंड इज अ न्यूट्रल देन इट्स आरएच इज न्यूट्रल एंड इट्स आरएच इज आल्सो न्यूट्रल, ध्यान में रखना ये चीज। ठीक है, ये बात भी हो गया तुम्हारा। और ध्यान में रखना कभी भी यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ये चीज पहले बताएं, कभी भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। वो आया था ना कार्बन आयन का पढ़ रहे थे हम लोग फ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में फर्स्ट क्लास में। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग क्या पढ़े थे? कार्बन आयन के बारे में पढ़े थे। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़े थे? sp3। लेकिन साथ ही साथ नोट ये भी लिखवाए थे कि इफ नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2। इसका मतलब यह है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज यदि यदि रेजोनेंस में जा रहा है या यू कहें यदि कॉन्जुगेशन में है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। नोट करो, इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इफ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है, इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन ठीक है, देन इट डू नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जरा सा, यदि यहां पे हम ले रहे हैं ये NH2 लोन पेयर होता है ना। अब ये तुम्हारे नोटबुक तुम्हारे क्वेश्चन में NH2 पे बॉन्ड जो रहेगा उसमें लोन पेयर देगा नहीं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर वो बिठा के नहीं देगा। तुमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है। समझ में आया बॉन्डिंग करने के बाद? तो ये तुमको पता होना चाहिए। क्लोरीन में तीन बॉन्ड होगा, तीन लोन पेयर तुम्हारा होगा। तो ये NH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। बताओ इसमें है क्या कॉन्जुगेशन? है, बोलो जी, कॉन्जुगेशन है क्या इसमें? कैसे है? लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है। और इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या है? वो एक्ट इलेक्ट्रॉन ही तो है ना। और ये पाई बॉन्ड भी किससे बना हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ गए, दूर जाएगा, दूर जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करना है वो लोन पेयर की तरफ करेंगे या लोन पेयर से दूर करेंगे? लोन पेयर से दूर करेंगे। क्लियर है ना? यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट करके आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ बोलो क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये देखेगा क्या? नहीं, तुरंत क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग, तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ लो जरा सा, जैसे वो CH2+ फ्लोरीन, CH2+ क्लोरीन, CH2+ वो नाली के आने वाला, याद है? बताए थे ना, जस्ट लाइक वही यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, रुकता नहीं है, तुरंत। बात समझ में आया? तुरंत क्या कर देगा तुमको? कोऑर्डिनेट कर देगा। तो देखो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा NH2, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव। और यहाँ पे चूंकि ये कोऑर्डिनेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या बोले हम? अब देख लो जरा सा, ये तो बन गया। अब RS, ये दोनों बेसिकली क्या हो गए इसके? RS। तो RS बराबर कितना हो गया? 2। RS बराबर कितना हुआ? 2। बताओ RH कैसे बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, वो दोनों में जो कॉमन है क्या है भाई? कॉमन NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दैट इज द कॉमन पार्ट। ठीक है, यही कॉमन पार्ट है। क्या डबल बॉन्ड दोनों जगह है? तो दे डॉटेड डॉटेड। ठीक है, अब देखो जी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो क्या न्यूट्रल है ये? ओवरऑल न्यूट्रल हुआ। क्या बोले थे? इफ द कंपाउंड इज न्यूट्रल इट्स RS इज न्यूट्रल एंड इट्स RH इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो यहां पे क्या करेंगे? डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, देख लो, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग आते हैं, ये लिख देते हैं NH2। बताओ जी इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम एनिलीन।
पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? एनिलीन। अब बताओ क्या ये जा रहा है, क्या है, क्या डील लोकलाइजेशन? पूरे रिंग में है और पूरे मतलब यहां से चालू होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो बताओ ये डबल बॉन्ड को किधर शिफ्ट करें, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, लेफ्ट वाले पे शिफ्ट करोगे या लोन पेयर रिपल्सन करवाओगे, क्या उसे दूर भगाना है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भगाना है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज से दूर भगाना, तो दूर किधर होगा, इधर ही है, इधर, राइट होगा ना जी। तो ये जाएगा तुम्हारा यहाँ और ये कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे, इसने भी क्या किया था, ये जब यहाँ गया था तो ये कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है। ये हम बता रहे हैं केवल, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा देखो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव आया ना, अब हर एक बॉन्ड को नेगेटिव से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, ये देखो दूर गया, अब दूर गया तो फिर कैसे बनेगा, ये ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये रहेगा NH2। अब ये क्या होगा, फिर इससे दूर ले जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा तुम्हारा ऐसा, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा, और ये क्या रहेगा, NH2। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, लोन पेयर बनेगा, बोलो, लोन पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था, और पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल करेगा ना, ये तो टूट करके उसके पास गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा NH2, मतलब पुराने वाले स्थिति में आ जाएगा, देख लो जी। तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे। RS कितने हो गए, RS हो गया 4, ठीक है। अब देखो हर NH2 पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब बोलोगे सर ये RH में तो वैसा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही जगह डेल्टा पॉजिटिव है और बाकी सब जगह क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो ध्यान में रखना है ऐसे केस में, ऐसे RS में देखोगे तो इसी तरह आ रहा है, लेकिन ये एक ही जगह पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव तीन जगह ट्रेवल कर रहा है, तो जहां जहां ट्रेवल कर रहा है वहां वहां तो देंगे क्या, क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है। तो ध्यान में रखना, अब यहाँ पे इसको समझना ऐसे, 3 डेल्टा नेगेटिव बराबर डेल्टा पॉजिटिव, समझ में आया, तो न्यूट्रल हो गया ना, तीनों डेल्टा नेगेटिव बराबर है, अकेला डेल्टा पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है। एक बात और ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखेंगे कि रेजोनेंस जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था ना, बट रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान में रखना, लिख लो, रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, रेजोनेंस इंडिपेंडेंट किस पे, डिस्टेंस पे, मतलब कि रेजोनेंस जो यहां हो रहा है वही आखिरी कार्बन पे होगा, यही बात हो गया ना, यानी कि पूरा सब जगह यार RH में देखोगे सब जगह, इसका मतलब रेजोनेंस क्या होगा, बोलो, बराबर, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया ना कि सारे जगह पे रेजोनेंस क्या होगा, हमेशा बराबर, ठीक है। लेकिन यदि हम ये पूछे कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन बेंजीन रिंग, इन एनिलीन लिखो, इन विच पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम, इन विच पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, इन विच पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, इन द कंपाउंड ऑफ एनिलीन, लिख दो, एनिलीन वाला कंपाउंड है, ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग में तो फिर
सब जगह बराबर ही हो जाएगा, एनिलीन लगा है ना, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे होगा? यस, मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज जो है डेल्टा वो यहां भी और यहां भी, निगेटिव यहां है निगेटिव यहां है, तो दोनों जगह बोलो बराबर, क्योंकि रेजोनेंस बराबर है। समझ लगे ना है? नहीं समझे? हम क्या बोले कि रेजोनेंस सब जगह बराबर है, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, सब जगह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन चूंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ है तो यहाँ निगेटिव आया है, मंजे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा और यहाँ भी बढ़ा। लेकिन इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कभी निगेटिव नजर आया है क्या? नहीं नजर आया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बना है तो फिर कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? ऑर्थो और कहाँ नजर आ रहा है? पैरा। ऑर्थो और कहाँ? पैरा पे। समझ में आया? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, एंड एट मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? मिनिमम। समझ में आया? क्लियर है? लिखो, इन एनिलीन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना शोइंग प्लस एम इफेक्ट। अब ये प्लस एम क्या है, आगे हम पढ़ाने वाले हैं मेजोमेरी का भी, रेजोनेंस में ही लिखे थे रेजोनेंस ऑब्लिक मेजोमेरिक, याद है? रेजोनेंस इफेक्ट लिखे थे ना, तो आर ऑब्लिक एम लिखे थे, एम मंजे मेजोमेरिक। समझ में आया? तो वो अभी आगे पढ़ने वाले। तो और NH2, अरे सिंपल सा है, बता देते हैं, समझ लो, क्लियर अभी तुरंत हो जाएगा। जैसे प्लस आई माइनस आई होता है ना, प्लस आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट क्लियर। और मेजोमेरिक में होता है तुम्हारा डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, सॉरी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो उसमें भी एक ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहता है और एक ग्रुप जो रहता है इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता है ना। समझ में आ रहा? तो जो इलेक्ट्रॉन लेने, मतलब कि जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो रख रहा है, जो भी ड्रॉइंग टेंडेंसी रख रहा है, वो क्या होगा, वो क्या शो करेगा, माइनस एम। नहीं समझे? देखो जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं, हालांकि ये आगे डिस्कस करने का, आगे करेंगे भी, लेकिन अब आ गया तो तुरंत एक मिनट में देख लो। अब यहाँ ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और ये HCHO, तो क्या कंजुगेशन पूरा है ना, कंजुगेशन पूरा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरा है ना। अब हमको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। ये वाला तोड़ेंगे सबसे पहले, किधर तोड़ेंगे, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ? कार्बन की तरफ क्यों तोड़ेंगे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो एक्सेप्ट थोड़ी कर सकेगा, उसको तो देना पड़ेगा मजबूरन। किधर टूटेगा? जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो किधर टूटेगा, समझ लो, ठीक। अब ये टूटेगा इधर, अब ये टूटेगा तो क्या मजबूरन इसको यहां आना पड़ेगा। अब यहां आएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डबल बॉन्ड सी, ओ पे क्या आएगा निगेटिव, ये बन जाएगा एच, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे। तो अब फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, सही है क्या? तो ये बेसिकली जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, दैट ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट। Understood? And electron donating group via resonance, that's so plus M effect. समझ में आया? और एक बात ध्यान कि देखो क्या जो plus M show कर रहा है, electron दे रहा है, तो electron दे रहा है, it means increase the electron density in benzene ring at ortho and meta position. बोल समझ में आ रहा? Ortho and para position. समझ में आया? If plus M is attached with the benzene ring, if a group with showing plus M effect directly attached to the benzene ring, ठीक है, it increase the electron density at ortho and
पैरा पोजिशन एंड अ ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग एंड विच शोज माइनस एम इफेक्ट. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस. इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड. अंडरस्टूड? क्लियर झाला? फिक्स है ना? तो आगे हम फिर पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छे से. अब कौन कौन ग्रुप शो करता है क्या क्या, वो पूरा राम कहानी चलेगा. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ आ गया था इसको, इसलिए सोचे कि थोड़ा सा एक मिनट में निपटा देते हैं. चलो क्या नहीं, मेसोमेरिक वही है, रेजोनेंस ही है, दोनों चचेरा में मेरा भाई है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो बताएंगे. हाँ, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट सेम है, रेजोनेंस में जो थोड़ा सा का डिफरेंस है वो बताएंगे वहां पे, और फिर जो सारा चीज है. चलो लिख डालो इसको, इन एनिलीन. ठीक है, क्या लिखे थे? कंटेनिंग एनएच टू ग्रुप, यही लिखे थे ना? अच्छा एनिलीन लिख दिया तो एनएच टू तो होगा यहाँ, सॉरी क्या, हाँ सोइंग ब्रैकेट में क्या लिखे थे? लिथियम ग्रुप. ठीक है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. समझ में आया? ठीक है, क्लियर. अब ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने डिक्रीज कर दिया मेटा पोजिशन को. डिक्रीज मतलब लेता है तब ना डिक्रीज होगा. हाँ, दूसरे को दिया इसीलिए उसके कंपैरिजन उसका कम हो गया. समझ में आया? चलो अब लिखो डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिट. डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है. क्या जी ऑनलाइन और क्लासरूम में फर्क है? कितना फर्क है? जमीन आसमान या उससे भी? अच्छा, हमको लगा बोलेगा पाताल और आसमान. एक्चुअली कितना भी करो तो है तो वो वर्चुअल ही ना. ठीक है, और यहाँ क्या है कि तुम आमने सामने हो तो कुछ भी चलते रहता, हम भी तुमको समझ पाते हैं. ठीक है, और तुम भी समझ पाते हो टोटली चीज. समझ में आया? चल तो, और अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना. चल तो क्या अब हम लोग लिख रहे हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिट. ठीक है, किसमें लिख रहा है? इन वैकेंट ऑर्बिट, थोड़ा ध्यान में रखना. ठीक है, अब जरा सा देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं. ये तुम्हारा हो गया NH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड. ठीक है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, BH2. देखना जी इंपॉर्टेंट है. अब देखो बोरोन, बोरोन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? तीन बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है, तुमको सेकंड और थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट मिलेगा. कौन सा एलिमेंट मिलेगा? सेकंड एंड थर्ड पीरियड वाला. ठीक है, तो बोरोन कौन सा पीरियड का है? सेकंड का है. चलो अब तुम देखो कि बोरोन के पास कितना बॉन्ड है? तीन. समझ लो एकदम, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त वाला है. खोपड़ी में धसा तो फिर तुम्हारा खोपड़ी धस जाएगा. समझे? बोरोन के पास कितना बॉन्ड है? तीन. बोरोन का कितना पूरा है, ऑक्टेट है या सिक्स इलेक्ट्रॉन है? सिक्स इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक तरह से ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का. इज दैट क्लियर? लेकिन इसका बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1. अब यहाँ पे तुम देखोगे p का थोड़ा सा ऑर्बिटल वाला डायग्राम बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन, ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz. हला क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिट है? पूरा पूरी वैकेंट ऑर्बिट है. ये सब क्या है तुम्हारा? वैकेंट ऑर्बिट हो है. समझ गया? इसका मतलब इसके पास प्रेजेंट है क्या? वैकेंट ऑर्बिट. समझ में आया? इतना दूर क्लियर? अब देखो तो अब हम इसको फिर से एक बार फ्रेश लिख देते हैं. ये क्या हो जाता है? NH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? BH2. अब बताओ ये डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा? इधर तो मूव नहीं करेगा, इधर मूव करेगा. अब बेसिकली ये यहाँ पे जाता है तो यहाँ क्या आएगा? निगेटिव.
और ये बेसिकली टूटेगा कैसे, जरा समझो जरा सा। ये आता है, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है क्या? अब जब इस पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला, या एक समझो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद का बॉन्ड पूरा टूटने के बाद, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, यही है ना। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया है इसीलिए तो ये क्या हुआ है निगेटिव, समझ में आया? क्लियर है? देख लो एक एक चीज तोड़ के बता रहे हैं। ये जब यहां पे जाएगा तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिट, वैकेंट ऑर्बिट। तो उसके बाद क्या होता है कि फिलहाल अभी यहाँ पे क्या नजर आता है, हम एक एक चीज तोड़ के लिख रहे हैं, एक एक स्टेप। अब यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या जाएगा, CH2, हाँ CH, ठीक है। और ये निगेटिव, और ये क्या जाएगा तुम्हारा, BH2। यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिट। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा ये बगल से चुराया था वो दे दिया इसको, ले बेटा कहाँ पे, इसके, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो ये बेचारा NH2 तो देखेगा नहीं इसको पॉजिटिव, इसे रहा जाएगा नहीं, क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट यदि इसको करेगा तो क्या हो जाएगा, NH2 डबल बॉन्ड CH, इसका पॉजिटिविटी खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी न्यूट्रल था ना, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव। और ये सिंगल बॉन्ड CH, और ये जब कोऑर्डिनेट कर दिया उसमें तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और BH2, समझे। और बोरोन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, ठीक है। और ये निगेटिव में अब ऐसा मत बोलना कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली निगेटिव यदि है तो उसपे क्या है, लोन पेयर मान के रखो जैसे ये वाला, लेकिन ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन ये जो निगेटिव है वो इसीलिए आया है क्योंकि इसको अपने औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला है, किसी ने दूसरे ने दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन जो इसको मिला है इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, समझ में आया, यही फर्क है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये वाला तुम्हारा पार्ट था तो इसका हम डायरेक्ट नीचे बना रहे हैं, ठीक है, डबल हेडेड एरो से, ये भी समझाने के लिए तुमको जरूरी है, नहीं तो फिर तुम्हारे माथा से ऊपर पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम अब दोबारा लिख दे रहे हैं फ्रेश, NH2 ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये क्या रहेगा, BH2, इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिट, ये यहां जाएगा, ठीक है। और यहां से तुरंत क्या हो जाएगा, समझ में आया, जैसे ही ये यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा देखो NH, और ये वाला कहां चला जाएगा, अगले पार्ट में, ठीक है, तुरंत कोऑर्डिनेट करता हूं, देखेगा नहीं तो ये वाला तुरंत कहां चला जाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड, और ये निगेटिव चार्ज, और ये BH2, यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिट, और इस बार ये निगेटिव यहाँ पे, तो जिससे ये क्या बन जाएगा, NH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड हो जाएगा तुम्हारा BH2 पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव चार्ज, देखो जी ऐसा बनेगा। ठीक है, बेसिकली इसको यहां से डायरेक्ट यहां आना है, आता है, ये भी नहीं होता क्योंकि ये निगेटिव जैसे ही तुरंत कहां चला जाता है, कहां चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिट में, बेसिकली यहां से ही डायरेक्ट यहां है, तभी तो देखो दोनों क्या है, न्यूट्रल है, हालांकि इसको भी काउंट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा न्यूट्रल ही होगा, ठीक है, बैकबॉन्ड, ये समझ में आया इसका। अरे कोई तो इधर से दूसरा क्लास से नजर आ रहा, तुम नजर आ रहे हो ना, कहाँ से आए, बी3 से, बी3 से ना, बी2 से तुम आए हो, तुम भी बी2 से, बी3 से भी कोई आया है क्या, अच्छा हाँ तुम बी3 से आया, तुम भी बी3 से आई, और कोई इसका यहाँ से किसी का ट्रांसफर भी हुआ है क्या, कुछ लोगों का, छाप लिए, चलो 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट से, 2 मिनट भी बहुत दे रहे हैं, 1 मिनट 60 सेकंड जो है उसमें इसको बनाओ, ठीक
लो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, बना। बोलो जी बना। देखो ये कहा इसका क्या है, वैकेंट ऑर्बिट है, तो क्लॉकवाइज ले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात एक ही है। ये वाला देंगे हम इसमें, ये देंगे जब इसमें हम यहाँ पे, तो क्या नजर आएगा, बोरोन, ठीक है, ये ऐसा और ये हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव, ये ऐसा और ये ऐसा, फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे ये क्या बनेगा, बोरोन, फिर आएगा हाइड्रोजन, ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे और नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखना। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा तुम्हारा एच, ये बी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पहले से है, अब देखना जरा यहाँ पे ये ऐसे और यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बनना चाहिए था ना, लेकिन बॉन्ड बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बोरोन का जो नेगेटिव है वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले से बॉन्डिंग बना लिया है, समझे। अब क्या करेंगे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड फिट टूट करके आएगा यहाँ, अब जो आएगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ उस पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा, नहीं समझे, यहाँ पे जो निगेटिव है वो हम क्या बोले थे कि ये निगेटिव का मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो इस निगेटिव का भी मतलब वही हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा कि जब ये वाला, अब क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ले जाएंगे, अब जब ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे जाएगा तो इस पे और एक नेगेटिव आ गया, विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स लाइक ए डबल, लाइक ए लोन पेयर, अब वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बनेगा, यानी दो माइनस होगा, और दो माइनस में से एक माइनस और एक पॉजिटिव क्या जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक नेगेटिव पहले की तरह बचा रहेगा, ठीक है, यानी कि अगला वाला तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा होगा बोरोन, ये होगा हाइड्रोजन, सॉरी हाँ ठीक तो है, ये ऐसा, ये जाएगा तुम्हारा निगेटिव, ये ऐसा, ये पॉजिटिव, ये ऐसा और ये ऐसा,
देख लो जी, समझे। और फिर ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा तो फिर से बी एच, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव, फिर आएगा ये यहाँ पे, और तब तक घुमाएंगे जब तक फिर वैसा ही ना मिल जाए। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज समझ के तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा बी, ये आएगा एच, ये आएगा ऐसा, ठीक है, ये आएगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा और ये ऐसा नेगेटिव चार्ज। अब फिर जब यहाँ पे करोगे ये, तो तुम्हारा क्या मिलेगा पहले की तरह, ये देखो, समझ में आया। और इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आर एच कितने हुए बोलो, सेवन आ रहे हैं, सेवन आ रहा है ना। आर एच जो कॉमन है उसको लिखो, ठीक है। क्या डबल बॉन्ड सब जगह ट्रेवल किया है, डेल्टा यहाँ पे क्या था नेगेटिव, लेकिन सब जगह डेल्टा पॉजिटिव आया है, सब जगह डेल्टा पॉजिटिव आया है ना। लेकिन ध्यान में रखना, सिक्स डेल्टा पॉजिटिव बराबर डेल्टा नेगेटिव, समझे, ये चीज ध्यान में रखना। तुम्हारा कंपाउंड जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, जिसका नाम है बोराजोल, क्या बोलते हैं बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको कहा जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B3N3H6। तुमको इसमें बस इतना बताना है कॉन्जुगेशन है कि नहीं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा BN, बताओ जी इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या, कैसे, बोलो, होगा क्या। यहाँ एन पे क्या है, लोन पेयर है ना, तो इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर जो है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, जिससे ये कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ऐसा करता है, बी एच डबल बॉन्ड एन, और इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बी, और इस पे डबल बॉन्ड एन, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये तुम्हारा बी, ठीक है, और फिर एन डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये ऐसा, ये एग्जिस्ट ही ऐसा करता है बोराजोल। तो बताओ अब इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या, होगा ना, कॉन्जुगेशन होगा, तो ध्यान में रखना। और इसमें पूछ सकता है तुम्हें, तुमसे कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बोराजोल, तो पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, छह तो किनारे से और छह यहां से, कितने हो गए 12, बेंजीन में जितना होगा सेम, ठीक है, सिग्मा इसके बाद ये कितना है, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3, ध्यान में रखना जी, ठीक है। लोन पेयर बोल दे तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, सब खत्म हो गया नाइट्रोजन का जो भी था, ठीक है।
अब लिख लें डिलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। बताओ जी कैसे होगा, आप डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेंगे, किधर की तरफ, नेगेटिव से दूर या नेगेटिव की तरफ, बोलो नेगेटिव से दूर, ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा बॉन्ड, तो हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और ये नेगेटिव, और कुछ होगा क्या नहीं, तो आर एच कितने होंगे दो, आर एच क्या बनेंगे जो दोनों में कॉमन है वो लिखो, देख लो ठीक है, उसी प्रकार से सी एच टू निगेटिव ये लो, बताओ क्या कॉन्जुगेशन है, पूरा कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड को किधर ले जाएं, इधर यहां आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा बॉन्ड, ये हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे निगेटिव ये ऐसे और ये ऐसे, फिर इसको क्या करेंगे दूर भगाएंगे, दूर भगाएंगे तो फिर हो जाएगा यही सी एच टू, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसा निगेटिव चार्ज ये इस तरीके से, फिर इसको हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी एच टू ठीक है, और उसके बाद होगा ये निगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, और फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो सेम मिलेगा अगले बार करोगे तो ठीक है, कॉमन मिलेगा, अब उसको बनाना तुमको इतना आइडिया हो जाना चाहिए ठीक है, लेकिन फिर भी लगे तो बना दिया करना, ये हो जाएगा आर एच बराबर हो जाएगा फोर, आर एच कैसा बनेगा जो कॉमन चीज था दोनों में लिखे, तो कॉमन चीज लिख दिए डॉटेड सब जगह डबल बॉन्ड डॉटेड डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड डॉटेड क्योंकि डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव और डेल्टा निगेटिव, ये रहेगा आर एच, ठीक है और एक लिखो इसके बाद फिर लिखना डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है डिलोकलाइजेशन ऑफ इन वैकेंट ऑर्बिटल सी सी एल थ्री निगेटिव सी सी एल थ्री निगेटिव, तो देखो होगा क्या ये क्लोरीन सी सी एल सी एल सी एल इसमें क्या है तुम्हारा निगेटिव है ना, अच्छा क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिट है, क्लोरीन का क्या होता है वैकेंट ऑर्बिट, ये निगेटिव का मतलब क्या यही दो इलेक्ट्रॉन ना, हाँ क्लोरीन का यदि तुम करोगे तो कितना होता है 17 ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p कितना 5 ठीक है, अब समझ रहे जरा 3p 3 में आ गया इलेक्ट्रॉन तो 3s होगा p होगा तो d भी तो होगा समझे, यानी इसका d क्या है 0 और p में तुम आओगे तो p में तो इतना ही होगा 5 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो नहीं डालेंगे ना इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड अप होता है तो डी वाले में डालेंगे जो डी इसका वैकेंट है 3d, समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चली जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा ये सी डबल बॉन्ड सी एल और इस पे आएगा निगेटिव और ये हो जाएगा न्यूट्रल, निगेटिव से क्या होगा न्यूट्रल, उसके बाद ये सी एल और ये सी एल, एक बार तो इसमें एक बार किसमें जाएगा एक बार इसमें जाएगा ठीक है, समझ गया, अब एक बार इसमें जाएगा तो तुम्हारा कैसा बन जाएगा सी सी एल डबल बॉन्ड सी एल ये निगेटिव और ये ऐसा, और एक बार तुम्हारा कैसा चला जाएगा इस वाले में जाएगा तो क्या बनेगा सी सी एल सी एल और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सी एल निगेटिव ये ऐसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका क्या बनेगा ये बनेगा सी सी एल और ये सी एल डॉट 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 डॉट
डॉट डॉट डॉट, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। खास बात कि ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना इसका, वो कौन सा पाई बॉन्ड है, किस तरीके पाई बॉन्ड, और पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, तो कैसा है, किस तरीके ये पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई। कार्बन के पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में, तुम्हारा 2p में है ना, 2p से किस में जा रहा, 3d में। तो जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है तुम्हारा, पी पाई डी पाई, ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी में अगला देखो, CO3-2 कार्बोनेट आयन, इसका इसका तो पढ़ लिया होगे, उसी में पढ़े हो ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं। कार्बोनेट आयन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे माइनस, और ये ओ पे क्या आएगा, माइनस। अब इसका क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे यहाँ पे, और एक का मान लेते हैं, किसी एक का भी बना देंगे, तो ये हो जाएगा सी ओ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या आएगा, ओ पे माइनस। इस बार ये यहाँ टूटेगा तो क्या बनेगा, सी ओ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस। रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आर एच कितने हुए, सॉरी आर एस थ्री, आर एच कितने हुए, सॉरी आर एच क्या बनेगा इसका, सी ओ पे नेगेटिव, ये सॉरी ओ, और ये ओ, और डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है। अब देखो, दो माइनस था जो तीन जगह गया है, दो माइनस था जो तीन जगह गया है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, माइनस टू बाय थ्री, डेल्टा माइनस टू बाय थ्री लिखेंगे ना, वहां एक चार्ज सब जगह ज्यादा था, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, लेकिन यहाँ दो चार्ज तीन जगह गया है, तो डेल्टा टू बाय थ्री, डेल्टा माइनस टू बाय थ्री, डेल्टा माइनस टू बाय थ्री, ऐसा लिखना होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी ओ ओ ओ, ठीक है, और ये पूरा पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस टू बाय थ्री, समझ में आया, और ये डॉटेड डॉटेड, ठीक। अब लिखो डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल, डिलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये देखो CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। तो बताओ फ्री रेडिकल जो टूटता है ना, वो क्या, हम कैसे टूटा था, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक, यानी कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेता है, ठीक है। समझो A और B का यदि अपने को तोड़ना होगा ना, तो हाफ एरो से तोड़ते हैं और दोनों तरफ एरो दिखाते हैं, वो मछली का कांटा नहीं रहता वैसा टाइप, क्योंकि ये भी अपना लिया है वो भी अपना लिया, समझे क्या क्या चल रहा। तो ये कैसे टूटेगा डबल बॉन्ड, आधा इधर आधा इधर, तो इस पे जो रेडिकल आएगा, ये दोनों मिलके बॉन्ड, और इस पे रेडिकल बच जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, ये सिंगल बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल। आर एच कितने हुए, दो, आर एच क्या बनेगा इसका, कॉमन लिखो, ठीक है, और नेगेटिव और फ्री रेडिकल का तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा फ्री रेडिकल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा हो गया, और लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ये तुम्हारा सी एच टू फ्री रेडिकल, चलो जी बताओ इसका कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर करेंगे ना, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, सी एच टू फ्री रेडिकल, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल, ये यहाँ पे, और डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर क्या होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, तो क्या बनेगा, ये
CH2, ये चला जाएगा तुम्हारा फ्री रेडिकल, यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन CH2 फ्री रेडिकल, ऐसा जो इसको काउंट नहीं करते हैं। कितने हो गए RH? 4। RH क्या बनेगा, वही करो, हेलो ठीक है। उसे वाली को डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सबसे आसान तो यही है ना। इसमें कैसा रहता है कंजुगेशन, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा और जो दोनों होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, या तो इधर करो नहीं तो उधर, ठीक है। एक एक करके नहीं होगा, इसको यदि हम यहाँ करेंगे तो ये भी कहाँ आएगा तुम्हारा, यहाँ, ठीक। या तो हम इसको यहाँ ले, अरे यहाँ यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे ही आएगा ये अगला वाला क्या करेगा, यहाँ होगा ना, तो इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है तुम्हारा, हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि तुम इसका करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, हम पाला वाला की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH2 पॉजिटिव, ये इधर आया, ये यहां से गया तो पॉजिटिव, यहां आया तो नेगेटिव, बॉन्ड बन गए, ठीक है, क्लियर है। RH के, अच्छा दोनों तरफ से कर सकते हो ना, इक्वल है, कॉमन है। RH क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव देने का कोशिश नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमको क्या पता किस पे डेल्टा पॉजिटिव है, हो सकता है उस पे डेल्टा नेगेटिव रहे, दोनों चीज हो सकता है ना, इसीलिए, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव इस पे भी हो सकता है और इस पे भी, क्योंकि दोनों तरफ से हम भेज सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में बना के लाना CO2 का, ठीक है, CO2 का रेजोनेंस हाइब्रिड बना करके लाना, जहां से तुम बना के ला सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क तुम्हारा रहेगा,
वहां लिखो रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक से ज्यादा यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी के बन रहे हैं तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? लिखो न्यूट्रल, पहला पॉइंट लिखो न्यूट्रल कंपाउंड ब्रैकेट में लिखना RS, यदि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड ब्रैकेट में लिखना RS इज मोर स्टेबल देन द चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड, इज मोर स्टेबल देन द चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, सेकंड, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having complete their octet, having complete their octet will be highly stable। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना follow octet rule केवल काट दो। क्या लिखवाए हैं? The resonating structure having complete octet will be highly stable। ठीक है, तीसरा लिखो resonating structure having maximum covalent bond, ठीक है, resonating structure having maximum covalent bond will be more stable। अच्छा, एक काम, सेकेंड वाले पॉइंट में ही मेंशन कर दो कि फॉलो ऑक्टेट रूल जो बोले थे ना उसको वही मेंशन करो, फॉलो ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल जो है किस पीरियड के एलिमेंट के लिए वैलिड होता है? सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो मोर इलेक्ट्रो, ये चौथा पॉइंट हो रहा है ना, फोर्थ वाला सबसे डेंजरस है, यानी सबसे ज्यादा तुमको गलत इसी में करवा सकता है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूंकि ये पहले से बार बार रटा रटा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी हाईली स्टेबल। ठीक है, विल बी हाईली स्टेबल। और बाकी तो समझ गया ना, पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, अगला पांच पॉइंट लिखना, फिफ्थ, कंपाउंड हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पड़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है? फॉर्मल चार्ज मतलब बेसिकली जो चार्ज जिस पे ज्यादा रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा, जिस पे चार्ज कम रहेगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, लेस फॉर्मल चार्ज विल बी मोर स्टेबल, कंपाउंड हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज will be more stable। Sixth point लिखना different charges on adjacent atom will be highly stable। ठीक है, उसके बाद लिखो लास्ट सेवेंथ पॉइंट, अनस्टेबल यानी माइनस माइनस यदि रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव यदि रहे
तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और खास बात इस ये जो पॉइंट्स लिखवाए ना, खास बात इसका यही है कि तुमको हर एक पॉइंट उसी सीक्वेंस में याद रखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा क्या होना चाहिए उसमें, बोलो, ऑक्टेट। यदि ऑक्टेट वो कंप्लीट कर रहा है, चाहे जैसे भी कोऑर्डिनेट करके कुछ भी करके ऑक्टेट यदि कंप्लीट कर रहा है तो वो फिर उसके बाद वो वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। तीसरा वाला क्या है, कोवलेंट। मैक्सिमम कोवलेंट यदि है तो वो उसके बाद क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव वाला, फिर उसके बाद लेस फॉर्मल चार्ज, फिर उसके बाद आइडेंटिकल, मतलब वही डिफरेंट चार्जेस यदि रहेगा तो स्टेबल, सेम चार्जेस रहेगा तो अनस्टेबल। तो ये ध्यान में रखना। अब लिखो क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड करना है। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस देखना जी। सीएल है, चलो जी बताओ। ये आया हुआ बताओ जी। बताओ पहला का क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी। अरे भैया पहला क्या लिखा हुआ, न्यूट्रल कंपाउंड इज द मोर स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल, तो क्या होगा, ए। ए के बाद क्या होगा, सी। सी के बाद क्या होगा, कोई चेंज करना चाहेगा क्या, कोई चेंज करना चाहेगा क्या, इस प्रकार से आपको मिलता माइनस वन। ए ठीक है, लेकिन तुम गलती की, हम क्या बोले, सबसे डेंजरस वही है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी हाईली स्टेबल, रट गया हो वही, लेकिन दूसरा वाला तुम भूल गए, कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट इसका चेक करो, सी एच टू, ये दो का, ये नेगेटिव का मतलब क्या, समझ में आया। और सी एल ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब चेक कर, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन सीएल के पास, चार, क्योंकि एक तो दिया, दो लोन पेयर जो तो था, एक वो किसने कंट्रीब्यूट किया, बॉन्ड बनाने में। अब चेक करो जरा सा, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है ना,
क्लोरीन का भी चेक कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका चेक करो एक दो तीन चार पाँच छः, और हाइड्रोजन के साथ दो, इसका चेक करो ये भी, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान रखना है एक चीज, क्या ध्यान रखोगे कि यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि ट्रिपल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, समझ में आया। यदि क्लोरीन तुम्हारा डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नाइट्रोजन यदि चार बॉन्ड के साथ, चार बॉन्ड मतलब ऐसा, ठीक है, तीन बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। देख लो ये सब दिमाग में बैठा लो थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद कहीं पे भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, ठीक है, एक बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑक्टेट क्या रहेगा इसका, कंप्लीट रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन ही दो बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, ये देख लो जरा सा, इतना तो ध्यान में ही रखना। चलो जी आप बताओ, समझ में आया क्या होगा। अब देखो ना यहाँ क्लोरीन कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज, क्या है क्या ऑक्टेट कंप्लीट में, नहीं होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए सी बी। चलो ये आओ, सबसे पहले कौन होगा, ए होगा, देन उसके बाद बताओ कौन सा होगा, ये वाला ए, हाँ सॉरी ए बी सी। चलो ये बताओ जल्दी, अरे जल्दी बोल, इसका वाला देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंगल सिंपल है, ऑक्टेट चेक करो ना भैया, ऑक्सीजन चार्ज डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, दो इधर और एक हाइड्रोजन के साथ, और पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ कार्बन चार बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट, यानी ये ऑक्टेट कंप्लीट वाला है, यानी ए के साथ क्या होगा, डी। अब ये दोनों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसका, कार्बन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का और यहाँ पे कार्बन का, तो बताओ अब कौन सा लगेगा, कोवलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, यानी कि क्या होगा, बी, और देन उसके बाद कौन सा होगा, सी। चलो ये आ जाओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी, कौन ज्यादा होगा बताओ जी, बी इज मोर स्टेबल देन ए, समझ में आया, क्योंकि इसका देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट, समझ में आया, देख लो जरा सा, क्लियर हुआ, उसके बाद देखो, ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप तुम्हारा एग्जांपल है, चलो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, बोलो जी, बोलो, बी स्टेबल है, कैसे, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड से क्या हो गया, हाँ मोर डबल बॉन्ड ऐसा कहाँ कहीं लिखवा है भाई कि मोर डबल बॉन्ड मोर स्टेबल, बोलो दोनों अलग अलग कंपाउंड है क्या, जब दोनों अलग अलग कंपाउंड के रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर दिए, अभी तक हम सेम कंपाउंड के दे रहे थे,
याद आ रहा? अब किसका दिए हैं? डिफरेंट कंपाउंड का। तो डिफरेंट कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसका जो बेस्ट वाला है उसके साथ मुकाबला होगा। मतलब दो लोग मैदान में खड़े हैं लड़ने के लिए और दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स हैं, तो क्या एक निकालेगा टैंक तो दूसरा रामपुरी? वैसे तो नहीं करेगा। इसके पास जो बेस्ट रहेगा वो, इसके पास जो बेस्ट रहेगा वो। तो इसका कुछ बेस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, लेकिन इसका बेस्ट हो सकता है। इसका क्या बेस्ट हो सकता है? ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इसमें, क्योंकि बगल में क्या है? बैक बॉन्डिंग। पॉजिटिव के बगल में क्या है? लोन पेयर। मुझे क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग करवा के इसमें कन्वर्ट करेगा। अब इसका होगा टक्कर इसके साथ, बताओ कौन स्टेबल? समझ में आया? B इज ग्रेटर देन A फॉर डिफरेंट कंपाउंड। हमेशा जो है एक उस कंपाउंड का सबसे जो बेस्ट रहेगा उसी के साथ तुम्हारा होगा, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। ये याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा। चलो जी बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? सबसे पहले खोजो, न्यूट्रल तो नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट कौन कर रहा है? सी तो होगा दोनों, उसके बाद बी या ए, बी या ए, कौन सा होगा? ए होगा। अब समझना जरा सा, यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है? और बैक बॉन्डिंग अवेलेबल होने के साथ यहाँ बैक बॉन्डिंग हुआ नहीं है, और जब तक हुआ नहीं है तब तक वो अनस्टेबल होगा, ठीक है? और यहाँ देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ तुरंत अभी बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग अवेलेबल होने के साथ यहाँ नहीं हुआ है, इसी के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है ऊपर वाले से। हाँ, बेस्ट तो वो तब लेगा ना जब डिफरेंट कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो वो क्या हम बोले हैं? वो तब हम लेते हैं जब डिफरेंट कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, सेम कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं। समझ में आया? इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही, कल थोड़ा सा हम लोग कॉन्जुगेशन का पार्ट को भी समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन को, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ मूव करेंगे। कल अपना हाइपर कॉन्जुगेशन भी समाप्त हो जाएगा और फिर मेसोमेरिक पे आ जाएंगे। अब देखो धीरे धीरे हो क्या रहा है, तुम धीरे धीरे स्टेबिलिटी सीखते जा रहे हो, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी सीख लिए, रेजोनेंस समझ गए, सबसे ज्यादा रेजोनेंस। एसिडिक स्ट्रेंथ जब अब तुम निकालना धीरे से और आगे बढ़ोगे तो सारे चीज उसमें इंक्लूड होंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर, सब इंक्लूड होगा। क्योंकि H प्लस निकलने के बाद अभी तक केवल इंडक्टिव आ रहा था, हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो कर सकते हैं, आगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो डाल सकते हैं, तो सब का कॉम्बिनेशन तुमको सीखना है। ये तो केवल एक एक पार्ट हम सिखा रहे हैं, बाद में जब हम, समझ में आ रहा है, सबको मिलाएंगे जब हम, एक्चुअल मजा, एक्चुअल खोपड़ी का इस्तेमाल तब है। चलो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच। जैसे चाकू पिजाया जाता है ना,
ये जाके दिमाग भी अपना पिजाया कर। आर एस जो बना है वो न्यूट्रल है ना। अरे क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल है, इज दैट क्लियर। तो न्यूट्रल है, देख लो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ये क्या बनेगा, NH2। ये कॉमन पार्ट को लिख रहे हैं हम। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि जहां जहां ट्रेवल किया है सब लिखे हैं, दे रहे हैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड।